नमस्ते प्यारे बच्चों, सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर द्वारा संचालित हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 7, जिसका शीर्षक है वचन, के भाग 3 के विषय में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने इस पाठ के भाग 1 व 2 में वचन के अर्थ को समझा व वचन के प्रकार के विषय में भी जाना। भाग 2 में हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी समझे। आइए भाग 3 में हम इस पाठ का बचा हुआ अभ्यास कार्य करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे पाठ का नाम है वचन। इस पाठ का अभ्यास कार्य करने से पूर्व आइए संक्षेप में वचन का अर्थ व उसके प्रकारों को समझते हैं। हम वचन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। इसका अर्थ है वाक्य में जिस शब्द के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि वह वस्तु, व्यक्ति या स्थान संख्या में एक है या एक से अधिक है, उसे ही वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा समझने के उपरांत आइए वचन के प्रकारों के विषय में जानते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एकवचन तथा दूसरा बहुवचन। वचन का पहला प्रकार है एकवचन। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध हो, उसे एकवचन कहते हैं।
जैसे साइकिल, खिलौना आदि। बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे साइकिलें, खिलौने आदि। आइए बच्चों, इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण स्मरण रखने योग्य बिंदु जानते हैं। पहला, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। दूसरा, वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एकवचन, दूसरा बहुवचन। प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ का तीसरा अभ्यास कार्य है एकवचन व बहुवचन शब्दों को अलग अलग लिखिए। यहाँ नीचे कोष्ठक में कुछ एकवचन व बहुवचन शब्द मिलाकर लिखे गए हैं। इन शब्दों में से छाट कर हमें एकवचन व बहुवचन शब्द अलग अलग लिखने हैं। इन शब्दों में से जो एक वचन है वो इस प्रकार है, चीटी, मेला, देवी। ये तीनों शब्द एक वचन शब्द हैं। बहुवचन शब्द इस प्रकार हैं, मक्खियां, मेले, भाषाएं, नदियां, कपड़े। ये सभी शब्द बहुवचन शब्द हैं। पाठ का चौथा अभ्यास कार्य है कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर
रिक्त स्थान भरिए। क, रिक्त स्थान पर कोयल बोल रही है। कोष्ठक में दिए हुए शब्द हैं वृक्ष या वृक्षों। इसका सही उत्तर है वृक्ष। वृक्ष पर कोयल बोल रही है। वाक्य ख, भारत में कई रिक्त स्थान बोली जाती हैं। कोष्ठक में दिए हुए शब्द हैं भाषा या भाषाएं। इसका सही उत्तर है भाषाएं। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। वाक्य ग, राम ने सोने की रिक्त स्थान पहनी है। कोष्ठक में दिए गए शब्द हैं घड़ी या घड़ियां। इसका सही उत्तर है घड़ी। राम ने सोने की घड़ी पहनी है। वाक्य घ, मेरी रिक्त स्थान आई है। कोष्ठक में दिए गए शब्द हैं बहन या बहने। प्यारे बच्चों, क्योंकि इस वाक्य में हा के ऊपर बिंदु है और हा के ऊपर बिंदु बहुवचन में ही आता है, अतः यहाँ सही उत्तर है बहने। मेरी बहने आई हैं। वाक्य ड, रीमा ने रिक्त स्थान फेंक दिया। कोष्ठक में दिए गए शब्द हैं खिलौना या खिलौने। इसका सही उत्तर है खिलौना। रीमा ने खिलौना फेंक दिया। तो आप ये सभी सही उत्तरों को समझे और अपनी पुस्तक में लिखें। हमारे आज के पाठ का अगला अभ्यास कार्य है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक पंक्ति में भिन्न वचन वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, नीचे चार पंक्तियां लिखी हैं जिनमें तीन तीन शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में दो शब्द समान वचन के हैं तथा एक शब्द भिन्न वचन का है। हमें उस भिन्न वचन वाले शब्द को पहचानना है और उस पर सही का निशान लगाना है। पहली पंक्ति में लिखे हुए शब्द हैं कपड़ा, पत्ता,
दरवाजे। इस पंक्ति में दिए गए शब्द कपड़ा तथा पत्ता दोनों एक वचन हैं, परंतु दरवाजे शब्द बहुवचन है। अतः हम दरवाजे पर सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि यह अन्य दोनों शब्दों से भिन्न वचन है। दूसरी पंक्ति में दिए गए शब्द हैं परियो, नदी, चिड़ियां। परियो तथा चिड़ियां शब्द दोनों बहुवचन हैं, परंतु नदी शब्द एक वचन है। अतः हम नदी पर सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि यह अन्य दोनों शब्दों परियो तथा चिड़िया से भिन्न है। तीसरी पंक्ति में लिखे गए शब्द हैं घड़ी, सेनाएं, चीटियां। सेनाएं तथा चीटियां दोनों बहुवचन हैं, परंतु घड़ी शब्द एक वचन है। अतः हम घड़ी पर सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि यह अन्य दोनों वचनों से भिन्न है। चौथी पंक्ति में दिए गए शब्द हैं लड़के, महिला, लड़कियां। लड़के तथा लड़कियां दोनों शब्द बहुवचन हैं, परंतु महिला शब्द एक वचन है। अतः हम महिला शब्द पर सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि यह अन्य दोनों शब्दों से भिन्न है। इसी प्रकार बच्चों, आपको यह अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। रचनात्मक गतिविधियां। इस अभ्यास कार्य में नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, जिन्हें देखकर हमें पहचानना है और लिखना है कि वे एक वचन हैं अथवा बहुवचन। पहला चित्र दो आंखों का है, जो संख्या में दो है, अतः ये बहुवचन है। दूसरा चित्र दो लड़कों का है, ये भी संख्या में दो है, अतः यह भी बहुवचन है। यह चित्र एक पत्ते का चित्र है, जो संख्या में एक है, अतः यह एक वचन है। दूसरा चित्र तितली का चित्र है, तितली भी संख्या में एक है, अतः
यह भी एक वचन है। यहाँ कुछ केलों का चित्र है। इसमें केले संख्या में एक से अधिक हैं, अतः यह बहुवचन है। दूसरा चित्र एक घड़ी का चित्र है। यह घड़ी संख्या में एक है, अतः यह एक वचन है। प्यारे बच्चों, पाठ के अंत में आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। आप इस पाठ को पुनः पढ़िए तथा इस वीडियो में कराया गया समस्त अभ्यास कार्य को अपनी हिंदी रचना प्रसून पुस्तक में लिखिए व उसे याद भी कीजिए। बच्चों, पाठ 7 में हमने वचन का अर्थ व उसके प्रकारों के विषय में पढ़ा तथा पाठ के अभ्यास कार्य को भी देखा और समझा। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में कराया गया समस्त कार्य समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखें और पाठ को समझने का पुनः प्रयास करें। धन्यवाद।